दोस्तों, मैं भरत सिंह गुप्त्याल। तो आज हमारे कैंप का तीसरा दिन, ये हमारे साथ रोहित, इधर है दिया। और फिलहाल कल का कैंप तो हमारा बहुत अच्छा रहा। रोहित ने काफी गान और बजान दोनों चीजें की। तो दोस्तों, आज है हमारे कैंप का तीसरा दिन, और तीसरे दिन भी हम कुछ चटपटा अटपटा करेंगे। तो आप बने रहे हैं हमारे ब्लॉग में। और तो हमारे बीच आज उपस्थित हैं हमारे चीफ गेस्ट दीपक पड़िया जी, जो कि अभी हाल ही में NIC करके आ रखे हरियाणा से। और इन्होंने वहाँ तूफान मचा दिया था। तूफान, ये यूनिवर्सिटी लेवल से इकलौते बंदे थे, इन्होंने जिम्मेदारियाँ ली और वहाँ पर बहुत अच्छा डांस किया। हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमारे MBPG कॉलेज और उत्तराखंड को रिप्रेजेंट किया। और इसमें सबसे अहम भूमिका हमारे भरत भाई की थी, उन्हीं के कारण मैं NIC जा पाया, वरना तो मेरा सपना ही रह जाता। बहुत बहुत धन्यवाद भरत भाई, आपका भी। सपने कभी पूरे भी हो जाते हैं प्रिया जी। तो आज हमारा कैंप का थर्ड डे है। तो आज हम बहुत एंजॉय भी करेंगे, साथ ही साथ एक्सरसाइज वगैरह, बाकी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट वगैरह भी करेंगे। आज भरत भाई चीफ गेस्ट कौन है हमारे? आज चीफ गेस्ट का अभी तक तो कुछ पता नहीं लगा है, लेकिन अभी थोड़ी देर में टीचर्स लोग आने वाले हैं, तो हम अपने फ्यूज से पूछेंगे कि आज के चीफ गेस्ट कौन है, तो आपको बता देंगे कि चीफ गेस्ट कौन है। और उसमें अभी ये हो सकता है कि हम पुलिस विभाग के साथ नशा मुक्ति कैंप एक छोटी मोटी रैली निकालेगा, तो हम नहीं, वो आज भी हो सकता है, तो हम आज भी उनके साथ जा सकते हैं। चलो, बहुत बढ़िया बात है। बाकी बच्चों को काफी कुछ सीखने को यहाँ मिल रहा है, सीनियर्स भी काफी अच्छा रिएक्ट कर रहे हैं, जूनियर्स भी काफी अच्छा, मतलब एक कह सकते हैं कि मिला जुला वातावरण हमें इस कैंप में देखने को मिल रहा है। बच्चे यहाँ से बहुत कुछ ले जाएंगे आगे को, NSS और अपने महाविद्यालय, हमारे महाविद्यालय का नाम बच्चे यहाँ से ऊंचा करेंगे, ऐसी यही हमारी शुभकामनाएं हैं बच्चों को। बाकी हमसे जो होगा हम वो करेंगे। तो चलो दोस्तों, आपको ले चलते हैं अपने कैंप की ओर, तो जहाँ हो रहा है मेडिटेशन, तो चलते हैं सीधा शिविर में। तो हमारा योग प्रारंभ हो गया, सभी ध्यान मुद्रा में हैं। देखो, ध्यान लगाने की कोशिश करनी है, दिमाग में जो भी चीजें आ रही है उसे आने दो। भक्ति भावना में लीन है, देखते हैं। एक जगह सेंट्रलाइज करने की कोशिश करो, अगर नहीं भी हो रहा है तो तब भी आप लोग सुनिए, जो भी आ रहा है माइंड में उसको सोचिए बस, और सोचते जाओ। वेरी गुड। साथ उनको दोहराना है आंखें बंद करते हुए। तो बोलूंगा आपको, सिर्फ उसको रिपीट करना है, बोलेंगे परमात्मा अनेकम जगत बीजमाद्यम निरीहम निराकारम ओंकारम वैद्यम यतो जायते पालिते येन विश्वम तमेमं भजे नियते यत्र विश्वम। एक बार और करेंगे, जगत बीजमाद्यम निरीहम निराकारम ओंकार वैद्यम यतो जायते पालिते येन विश्वः तमेमं भजे यत्र विश्वम। अभी जो आपने पंक्तियां बोली, इनका अर्थ जो हम आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना है कि परमात्मा ने एकम जगत बीज माध्यम निरीहम निराकारम ओंकार वैद्यम, अर्थात परमात्मा एक ही है, जगत का आदि बीज है, जिसने जगत का निर्माण किया है। परमात्मा में किसी भी प्रकार की कोई काम वासना नहीं है, परमात्मा का कोई स्वरूप नहीं है, उसे पुकारा जाता है ओंकार के नाम से, जिसे आप ओम कहते हैं। फिर है कि यतो जायते पालिते येन विश्वम तमीमं भजे लियते यत्र विश्वम, अर्थात यह जो विश्व है उसी से जन्मा है, और विश्व को पालने वाला भी पालनहार वही है। उस परमात्मा की मैं आज प्रार्थना करता हूं, उसकी मैं पूजा करता हूं, और संपूर्ण सृष्टि का अंत भी वही परमात्मा है। अब एक लंबी सी सांस खींचो, छोड़ो। अब हम अगली जो सांसें खींचेंगे, लंबी सी सांस खींचनी है और ओम का उच्चारण करना है 3 बार। और दरअसल ध्यान देंगे, पहला जो ओम होगा, ओम बनता है 3 शब्दों से, ओ उ और मौ। जब हम
पहला ओम बोलेंगे उसमें हमारा जो ओ है वो लंबा होना चाहिए दोस्तों। कल है 26 मार्च, तो 26 मार्च को आप सभी आमंत्रित हैं हमारे यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप में। तो ये हमने ब्लड डोनेशन का सेल्फी पॉइंट बना रखा है, तो गाइस आप यहाँ सेल्फी लेने के लिए आ सकते हैं। सेल्फी लेने ही नहीं बल्कि ब्लड डोनेट करने आ सकते हैं। ये देख सकते हैं हमने बड़ी कड़ी मेहनत से इसे लगाया है और इसके अंदर संजोया है। तो दोस्तों इधर से लिए कार्य करें और इसमें लिखा जा रहा है रक्तदान महादान ऐसे कुछ लिखा जाएगा, तो आपको दिखाऊंगा मैं थोड़ी देर में। और पहले से लगाते हैं इसकी अपनी जगह में, तो इसकी अभी डेंटिंग पेंटिंग होने वाली है। तो इसकी जब डेंटिंग पेंटिंग हो जाएगी इसके बाद लास्ट में आपको दिखाऊंगा कि हमने इसे कैसे बनाया है, इसमें पेंट कौन सा किया है। अभी हमारा फिलहाल जो हमारा बैच है वो बनने जा रहा है। तो और
उसके तो हाथ ही बनाना, तो गूगल से देख लो हमारी जूनियर बोलने के जैसे। हाँ देखो यहाँ पे जो फूल की खुद बनी है, हस्ती भी बनी है, उस साइड फूल की हाथ ऐसे वाले बनाना। उसके बाद इसे कैसा कलर से संजोया जाएगा, क्योंकि बहुत बहुत प्यारा लगने वाला है। तो इसलिए आपसे गुजारिश है, बनी रही पूरे ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी भी हमारा कार्य प्रगति पर ही है, काम सुचारू रूप से जारी है और पूर्ण होने तक जारी ही रहेगा, जब तक पूर्ण नहीं होता। तो ये देख सकते हैं राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस, ये हमारा लोगो है। गोपाल जी उम्मीदा करिए आपकी कैब मेरे को अच्छी लगी है, बल आपकी कैब अच्छी लग रही है बल। तो अभी भी रंग करना बाकी, कलर से समझना बाकी, लेकिन थोड़ी देर रह जाएगा। तो दोस्तों फाइनली हमारा राष्ट्रीय सेवा योजना का जो बैनर है वो बनकर तैयार हो चुका है, जो सेल्फी पॉइंट है हमारा वो बनकर तैयार हो चुका है। देख सकते हैं आप राष्ट्रीय सेवा योजना, और इधर हमने ब्लड का कुछ सैंपल दिखाया है, ये देख सकते हैं आप पूरा तैयार है। तो दोस्तों हमारे कॉलेज से ही हमारे साथ कोई भाई बहन यहाँ आए हैं, टाइकंडो की टीम से हैं ये, जो भी टाइकंडो की टीम से नॉर्थ जोन खेलने गए थे। तो हमें खाली नॉर्मल सेल्फ डिफेंस करना सिखा रहे हैं, यानी कि अपना जो हुनर है, अपना टैलेंट है, वो हमारे बीच दिखाना चाह रहे हैं। ये सेकंड ईयर का छात्र आपके बीच में टाइकंडो सिखाने एमपीजी कॉलेज हल्द्वानी से हमारे विशेष शिविर में आया है। छोटे भाई का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद जो वो हमारे बीच आए और उन्होंने हमें सेल्फ डिफेंस करना सिखाया। ऐसे अवसर बहुत ही कम होते हैं कि कोई खिलाड़ी हमारे बीच में आए और वो अपना टैलेंट हमें दिखा कर जाए या हमें कुछ सिखा कर जाए। बहुत अच्छा लगता है अगर कोई हमारे बीच में आता है और हमें अपनी कोई भी चीज़ हमें सिखाता है, चाहे वो उसका एक्सपीरियंस क्यों ना हो, वो हमारे बीच में अगर अपना एक्सपीरियंस भी बताता है तो हमारे लिए वो भी बहुत है। तो दोस्तों अब यहाँ पर लॉक लगाया जा रहा है, देख सकते हैं आप। तो भुवन वाली को पूर्ण रूप से लॉक कर दिया गया है, देख सकते। तो लॉक लगाने की भी दो तीन ट्रिक होती हैं। एक ट्रिक से अगर खिलाड़ी चाहे तो दूसरे खिलाड़ी का हाथ भी तोड़ सकता है। तो ये सेल्फ डिफेंस करने की बात है, अगर आपको आता है शायद ये वो हो सकता है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप। इसमें बंदा उठ नहीं पाता और नीचे वाला बंदा चाहे तो लॉक करके उसका हाथ भी तोड़ सकता है। देखो जो ये बेसिकली अभी लॉक्स एंड जोक्स अप्लाई कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको जनरली लोग कर रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। तो इससे पहले भी हमने यहाँ पे चोक्स ट्राई करे थे, वो आपके आरएनसी में आते हैं। जो अभी लास्ट में गया था वो आपका आमबार होता है। तो बेसिकली जॉइंट मैनिपुलेशन होता है, तो आपकी बॉडी के जितने भी पॉइंट्स हैं उनको ब्रेक करने की टेक्निक्स होती है, जो कि विद इन अ सेकंड कंप्लीट हो सकती है अगर आप उसकी प्रैक्टिस करें। तो जैसे कि मैं आपको बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि मैंने मेरे से रिक्वेस्ट करी थी, बोला था कि आप ट्राई करना अगर आपको टाइम मिले यहाँ पर आके बताने का। तो मैं 4 बजे से 5 बजे के टाइम पे फ्री होकर यहाँ पे आऊंगा। अगर उस टाइम पीरियड में आप लोग फ्री है तो आप वो चीज सीख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक। बाकी फालतू का आपको वो स्टार्टिंग से वाला स्ट्रक्चर नहीं सिखाना, जो इम्पोर्टेंट है वही सिखाना। तो ये जॉइंट मैनिपुलेशन चीजें स्पेशली वुमेन्स जो भी लड़कियां हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ। जब लड़की ग्राउंड पे होती है, मतलब ग्राउंड स्ट्रक्चर पे नीचे गिरी हुई होती है, तो उस टाइम पे उनको बहुत सारे ऐसे एडवांटेजेस मिलते हैं सामने वाले को ब्रेक करने के लिए, चोक करने के लिए, इवन दो उनको ब्लैक आउट करने के लिए। तो वो चीज आप लोगों को जरूर सीखनी चाहिए, क्योंकि वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो में जब आपका सेल्फ डिफेंस स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं वो कब होता है जाता है, जब कोई थ्रेटनिंग होती है या रेप केस वाला स्ट्रक्चर होता है, या फिर ऐसा सिनेरियो क्रिएट होता है जहाँ पे आप रेपिंग पॉइंट पे आ रहे हैं।
तो उस टाइम पे आपको पोजीशंस आनी चाहिए। तो स्पेशली अगर कभी मौका मिले आप लोगों को तो 4 बजे से 5 बजे के टाइम पीरियड में आप वो चीज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। दोस्तों कैंप हो चुका है खत्म, अब हो रही है गन्ना जूस की पार्टी, इसके बाद हम जाएंगे यहाँ से घर को। तो फिलहाल आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त होता है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।